कैसे हो आप? सब बढ़िया? बिल्कुल आप अच्छे होगे। अगेन यहाँ ध्यान दो, आज भले ही हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, लेकिन आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्लास है ना, उस क्लास में हम लोग जो है ना रियल नंबर को रिवीजन करने वाले। भैया रियल नंबर को रिवीजन कीजिएगा, वो तो हमको अच्छे से पता है, उसके उसमें हम लोग सब कुछ अच्छे तरीके से सीखे हैं और अभी भी हमको याद है। तो कोई नहीं, आपको बस सुनना है और कुछ ना करना है। रियल नंबर की बात करेंगे ना, उसमें हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इसको पढ़े थे। भैया जी ये तो अभी भी हमको बेहतर तरीके से पता है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता? अच्छा क्या होता बताओगे? जल्दी बताओगे? भैया जी बता रहे हैं ना, रुकिए ना, पहले आप रिवीजन करवाइए। ठीक है, वैसे हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में यहाँ पर इसको ए बोला करते थे, जिसका जिस ए शॉर्ट फॉर्म था, किसका शॉर्ट फॉर्म था? तुरंत आप बोलोगे भैया डिविडेंड का शॉर्ट फॉर्म था। डिविडेंड का शॉर्ट फॉर्म ए था। अगेन यहाँ बी था, बी किसका शॉर्ट फॉर्म था? डिवाइजर का शॉर्ट फॉर्म था, डिवाइजर। अगेन यहाँ पर क्यू था, क्यू हमारा कोशेंट का शॉर्ट फॉर्म था। और यहाँ नीचे में आर हुआ करता था, आर हमारा रिमाइंडर, हाँ जी रिमाइंडर का शॉर्ट फॉर्म था। इसमें तो कहीं कोई समस्या ना हुआ होगा। आर हम लोग रिमाइंडर को बोलते थे, ए हम लोग डिविडेंड को बोलते थे, एंड बी हम लोग डिवाइजर को बोलते थे, क्यू हम लोग कोशेंट को बोलते थे। और यहीं से एक प्यारा सा हम लोग इक्वेशन से किए थे कि बीच वाला जो टर्म है ए जो है वो बराबर होगा बी क्यू प्लस आर के, बी क्यू प्लस आर के। और यहाँ पे आर जो है, ये आर हमेशा और हमेशा बी से छोटा होने वाला, ये हम जानते थे। हाँ भैया ये हम लोग जानते थे कि आर का वैल्यू ऑलवेज 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 बी के, बी से छोटा ही होगा और जीरो से बड़ा ही होगा, या फिर जीरो के बराबर होगा। बी के बराबर नहीं, बी से ऑलवेज छोटा होगा आर का वैल्यू, ये तो हमें पता था। हाँ भैया ये हमको पता था। अगेन इसके बाद, ये सीखने के बाद हम लोग रिलेशन सीखे थे। किसके बीच में रिलेशन सीखे थे? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो रिलेशन हम लोग सीखे थे एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम एचसीएफ और एनी टू नंबर्स के बीच में हम लोग जो है रिलेशन सीखे थे। किस प्रकार एचसीएफ एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करते हैं, ये बराबर होता है अगर हम कोई दो नंबर ले, कोई दो नंबर समझिएगा, मेरे ख्याल से आप समझ नहीं रहे हो, समझोगे। अगर हम कोई दो नंबर ले, अपने मन से कोई दो नंबर ले लेते हैं, इफ एनी नंबर, एनी टू नंबर, एनी टू नंबर ए एंड बी, कोई हम लोग ए और बी कोई दो नंबर ले लिए, जिसका जिसका जो है एलसीएम और एचसीएफ वो बराबर होगा, जिसका एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट बराबर होगा, इसी दो नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, ये हम लोग जानते हैं। बिल्कुल सही, इस पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कोई हम दो नंबर ले लिए, ठीक है, इसी दो नंबर का एलसीएम भी निकाल लेंगे, इसी दो नंबर का एचसीएफ भी निकाल लेंगे, जब दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो बराबर होगा, इसी दो नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। कहीं पर कोई भी समस्या होगा तो पूछना है। ये सब कुछ हम लोग सीखे। इतना सीखने के बाद भैया जी जानते हैं, इतना सीखने के बाद हम क्या लगा था, हम पूरा का पूरा रियल नंबर सीख गए हैं। लेकिन नहीं भैया जी, इसके बाद आप हमको सिखाते हैं रेशनल नंबर, जो कि रियल नंबर का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक, मतलब महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं, महत्वपूर्ण टॉपिक लगा था। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप नोटबुक में उतार लोगे, जल्दी से मैं मिटाने वाला हूँ, उतार लियोगे। अगेन इसके बाद जो है हम लोग रेशनल नंबर पढ़े थे। रेशनल नंबर पढ़ के तो मजा ही आ गया था। हाँ जी रेशनल नंबर में क्या ही पढ़े, रेशनल नंबर की बात करेंगे, रेशनल नंबर की बात करेंगे, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर की बात करेंगे। तो अभी तक भैया हम लोग जो है ना, हम ये जानते थे कि जितना बटे वाला फॉर्म होता, जितना भी बटे वाला फॉर्म होता, सब का सब जो है वो मेरा फ्रैक्शन होता है। लेकिन आज पहली बार हम लोग जाने कि बटे वाला फॉर्म, जिसको हम लोग रेशनल नंबर भी कहते हैं, अर्थात रेशनल नंबर होने के लिए, रेशनल नंबर होने के लिए हमको तीन चीज बेहद तरीके से पता होना चाहिए। पहला क्या, ये फ्रैक्शन क्या होता। अगर फ्रैक्शन पता होगा तो रेशनल नंबर अच्छे तरीके से पता हो जाएगा। हाँ रेशनल नंबर इसको कहते हैं, फ्रैक्शन पता होना चाहिए। फ्रैक्शन पता होने के बाद आपको इंटीजर्स पता होना चाहिए। इंटीजर्स क्या होता है ये तो पता होना ही होना चाहिए। अगेन एक लास्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या, कि जो भी हम लोग फ्रैक्शन लेंगे, फ्रैक्शन हम पी बटे क्यू के रूप में लेते हैं ना, फ्रैक्शन किस रूप में लेते हैं, पी बटे क्यू के रूप में लेते हैं। लेकिन जब भी रेशनल नंबर की बात करेंगे, कभी भी मेरा क्यू जीरो के बराबर नहीं होगा। अगर ये तीनों मेरा कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है तो उसको हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे, ठीक है। रेशनल नंबर आपका पी बटे क्यू के रूप में होता है, जहां पर पी और क्यू इंटीजर्स नंबर होना चाहिए और क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ऐसा हम लोग बताए थे आपको। यहां पर अब मैं आपके सामने दो तीन एग्जांपल देने वाला हूं, उस एग्जांपल को ध्यानपूर्वक देखोगे और उसमें पहचानोगे ऐसा कौन एक बंदा है
जो रेशनल नंबर नहीं है। भैया मतलब आप पूरा का पूरा रेशनल नंबर के झुंड में एक ऐसा नंबर लिखने वाले हैं जो कि रेशनल नंबर ना होगा, और हम उसको पहचानेंगे। हाँ जी, यहाँ की यहाँ पर एक प्यारा सा बक्सा है, इस बक्से में आपको ढूंढना है कौन जो है यहाँ पर रेशनल नंबर नहीं है। ढूंढिए ढूंढिए ढूंढिए, आपको ढूंढने का समय दिया गया। भैया जी ठीक है, हम ढूंढ लेते हैं। हम काका है, हम तो ढूंढने से मतलब। देखिए अब इस पूरे ग्रुप में ऐसा एक बंदा जरूर दिख रहा होगा जो कि आपका रेशनल नंबर नहीं है। अब हम भी पहचानेंगे, मतलब हम भी ढूंढेंगे, आप भी ढूंढोगे मेरे साथ। ओके भैया ढूंढिए, यहाँ 2/7, भैया 2 और 7 दोनों फ्रैक्शन का फॉर्म है, और 2 7 इंटीजर्स भी है, और 7 0 के बराबर नहीं है, ये रेशनल नंबर है। ये P/Q के रूप में है, मतलब फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन होने के लिए आपको निगेटिव नहीं लेना है, इतना समझना। अच्छा छोड़ो, आपसे बोलेंगे P/Q के रूप में, ये मेरा P/Q के रूप में है, -6 और 3 मेरा इंटीजर्स भी है, और ये 3 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, अर्थात ये मेरा रेशनल नंबर है। ये मेरा P/Q के रूप में है, फ्रैक्शन को हटाओ, यहाँ पर P/Q दिखेंगे, बिकॉज फ्रैक्शन अपने आप में एक अलग मीनिंग ला रहा है। वो अलग मीनिंग क्या क्या ला रहा है वो आपको मैंने बताया हुआ है जब मैंने पढ़ाया था। तो यहाँ देखो अगेन, ये दोनों मेरा इंटीजर्स है, और नीचे में 0 के बराबर नहीं है, अर्थात ये रेशनल नंबर है। यहाँ पर P/Q के रूप में है, ये 6 और -4 ये हमारा इंटीजर्स है, और -4 0 के बराबर नहीं है, अर्थात ये हमारा रेशनल नंबर है। यहाँ पर 0/5 ये मेरा P/Q के रूप में है, अगेन 0 और 5 मेरा इंटीजर्स नंबर है, और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं है। इस प्रकार पूरे टर्म को ढूंढने पर हमें एक ऐसा टर्म मिला जहां पर 6/0 P/Q के रूप में था, 6 और 0 मेरा इंटीजर्स नंबर था, और 0 जो है नीचे वाला टर्म मेरा डिनोमिनेटर, कभी 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर डिनोमिनेटर मेरा 0 हो गया था जो कि रेशनल नंबर नहीं था। इस प्रकार हम पूरे रेशनल नंबर के झुंड में एक ऐसे नंबर को ढूंढ लिए जो कि रेशनल नंबर नहीं था, और आपके एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा जाएगा। आपके एग्जाम में रूट के फॉर्म में पूछा जाएगा, रूट 2 दिया हुआ रहेगा, बताइए क्या ये मेरा रेशनल नंबर है या नहीं है। आपको बोलना है ये रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। क्या √6 -1/√2 क्या ये मेरा रेशनल नंबर है या नहीं है, तो समझना जिसका रूट आप ना निकाल पाओगे, जैसे कि √2 बताओगे तो यहाँ पर हम कुछ रूट के फॉर्म में लिख रहे हैं, किसका आप रूट नहीं निकाल पाओगे, किसका वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, उसी को सिर्फ आपको रेशनल नंबर ना ही बोलना है। जैसे कि यहाँ √2 है, √3 है, √4 है, √5 है, √6 है, √7 है, √8 है, √9 है, √10 है, हम 10 तक लिखे हैं। इसमें कौन कौन मेरा रेशनल नंबर है, पूरा का पूरा झुंड है, रेशनल नंबर का झुंड है। आप कैसे पहचानोगे इसमें रेशनल नंबर कौन है, जिसका वैल्यू आप निकाल पाओगे वो मेरा रेशनल नंबर हो जाएगा। क्या 2 का रूट आप निकाल पाओगे, भैया निकालेंगे तो सही, लेकिन दशमलव के फॉर्म में निकलेगा, वो निकलते जाएगा निकलते जाएगा निकलते जाएगा, अर्थात ये रेशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। अगेन क्या √3 इसका वैल्यू आप निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे, ये भी आपका निकाल पाओगे लेकिन डेसिमल्स के फॉर्म में निकलेगा, वो भी आपका निकलते जाएगा। हम तो सिर्फ लगभग में वैल्यू लेते हैं डेसिमल्स का, जो मैंने आपको याद करवाया है। बहुत अच्छे भैया जी, √4 का वैल्यू निकाल सकते हो, हाँ निकाल सकते हैं भैया जी, √4 का वैल्यू 2 होता है, अर्थात ये हमारा सिर्फ और सिर्फ रेशनल नंबर है। बस यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, इस कंफ्यूजन को दूर करो। अगर रूट का वैल्यू निकल जाएगा तो वो मेरा रेशनल हो जाएगा, अगर रूट का वैल्यू नहीं निकलेगा तो वो मेरा इरेशनल रहेगा। यहाँ √5 इसका √5 है, यहाँ पर आप तुरंत बोलोगे भैया इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो ये मेरा इरेशनल नंबर हो गया। कहीं पर कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। अगेन √6 इसका वैल्यू हम लोग रूट का नहीं निकाल सकते, ये मेरा इरेशनल हो गया। √7 का वैल्यू ना ही निकलेगा, √8 का वैल्यू ना ही निकलेगा, √9 का वैल्यू आप तुरंत बोलोगे, उछल उछल के बोलोगे भैया इसका रूट का वैल्यू 3 होता है, हमका पता है, हम अच्छे कैसे आप जो सिखाई थी ना रूट निकालने वो अच्छी तरीके से सीखे थे। भैया जी आप काहे परेशान हो रहे हैं, 3 मेरा रेशनल नंबर है, और 10 का रूट हम लोग नहीं निकाल सकते, पूरा का पूरा ये आपका इरेशनल नंबर है। इस प्रकार हम लोग रेशनल रेशनल रूट वाले फॉर्म को पहचानते, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। देखो यहाँ पर √2 है, √6 है, इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते, अर्थात ये इरेशनल नंबर होगा। अगर ऐसा रहेगा √4 + √9 हो जाएगा, तुरंत आप बोलोगे भैया √4 का वैल्यू निकाल सकते हैं, √9 का वैल्यू निकाल सकते हैं, अर्थात ये पूरा का पूरा हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। जहां पर आप रूट का वैल्यू निकाल पाओगे वो आपका रेशनल नंबर होने वाला। बात को समझना है, हाँ जी। इसके बाद हम लोग रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म देखे थे, डेसिमल फॉर्म ऑपरेशनल नंबर, जो कि बेहद मजा आया था हम लोग को पढ़ने में, सीखने में, समझने में काफी मजा आया था डेसिमल। और जो लिख रहा है सबको नोट डाउन करते चलना है, मैंने मिटा दिया आपको, मिटाने से पहले मैंने लिखा था ना, उसको देख के लिख लोगे नोटबुक में, आज मजाक नहीं करने का, लिखो डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म क्या होगा वो देखोगे, डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर।
कहीं कहीं सिली मिस्टेक हो जाए, ठीक है, उसको सुधार लोगे। स्टार्टिंग में हम देखे थे एक दो जगह सिली मिस्टेक हमसे हो रहा था, उसको मैंने सुधारने का प्रयास किया। कहीं ऐसा सिली मिस्टेक्स दिखे आपको कि भैया हाँ यहाँ पर आपका आपको कुछ और लिखना था, आप कुछ और लिख दिए, वो होता है पढ़ाने क्रम में, वो कभी कभी हो जाता है, तो आपको उसको नजरअंदाज करते हुए उसको सही कर लेना है। ओके, देखो यहाँ पर डेसिमल्स फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स। अब डेसिमल्स फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स क्या भैया जी, अगर हम लोग रेशन मतलब अगर हम लोग कोई सा रेशनल नंबर ले ले, जैसे कि यहाँ पर 6/3 ले ले, क्या होगा, या तो पूरा पूरा कटेगा या तो पूरा पूरा ना कटेगा। ऐसा आप कोई संख्या हो, यहाँ 6/3 7/3 ले लिए, अब कटा रहे हैं, क्या होगा भैया जी, या तो पूरा पूरा कट जाएगा, चाहे डेसिमल्स में कटे या कैसे कटे, पूरा पूरा कटेगा। ये 2 times में कट रहा है, अगर यहाँ पर रहेगा 7/2, ये भी पूरा पूरा कटेगा, 3.5 times कटेगा पूरा पूरा, मतलब पूरा पूरा कटना है, टर्मिनेट होना है उसको पूरा पूरा। एक ये कंडीशन होगा कि पूरा पूरा टर्मिनेट हो रहा है, चाहे वो डेसिमल्स के फॉर्म में टर्मिनेट हो या फिर ऐसे टर्मिनेट हो, अर्थात टर्मिनेट होना चाहिए। हम कुछ एग्जांपल देते हैं टर्मिनेट होने का, ठीक है, जैसे कि हम बोल दिए 7/2, इसको पूरा पूरा भाग दिए, भाग देने के बाद पता चला हमें ये 3.5 times में टर्मिनेट हो रहा है। अगर 9/5 दिए, ये भी आपका 5 times 5 ठीक है 1.8 times में ये भी टर्मिनेट हो रहा है। अगर हम बोले 10/2, ये भी 5 times में टर्मिनेट हो रहा है। डेसिमल्स है कहाँ, यहाँ डेसिमल्स यहाँ छिपा हुआ है, 5 की जस्ट बाहर डेसिमल्स छिपा हुआ है और यहाँ 0 छिपा हुआ है। जब मैथ हम लोग के साथ हाइड एंड सीक गेम खेले, हमें भी उसको हाइड ही रखना है, का ही दिखाना, बेवजह नहीं दिखाने का, लेकिन समझ के चलना यहाँ पर डेसिमल्स छिपा हुआ है। ओके, इस बात को समझना सीखो भैया, समझ के समझ रहे हैं, समझना भी तो एक समझ है, समझ के हम काहे ना समझ के, हमको समझ में ही ना आवत है। चलिए इतना कुछ हम लोग देख लिए जो कि टर्मिनेट हुआ करता था। अब आपके मन में एक खिचड़ी पर पकड़ा होगा, भैया जानिए ना हम, तब हम इसको क्या कहेंगे, 2/3 को क्या कहेंगे, कौन सा कहेंगे, टर्मिनेट बोलेंगे या फिर क्या ही बोलेंगे, मतलब 3 से 2 में डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड ना हो रहा भैया जी, ये तो आते जा रहा है, पता नहीं भैया जी ये कब रुकेगा। जब ऐसा संख्या कोई मिल जाए जो आते जाए टर्मिनेट ना हो, तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेट। क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेट, जो टर्मिनेट ही ना करे तो क्या कहेंगे उसको, उसको हम लोग नॉन टर्मिनेट कहेंगे। नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग, वो रिपीट कर रहा है, मतलब रिपीट में खाना खा रहे हैं, फिर खाए, रिपीटिंग मतलब वो रिपीट कर रही है। नॉन टर्मिनेट तो हो रहा लेकिन वो रिपीट करेगा इस कंडीशन वाले फॉर्म में। जैसे देखो यहाँ पर रिपीट कर, अच्छा के बाद अच्छा, कोई खास टर्म के बाद रिपीट जरूर कहेगा इस कंडीशन में आने के लिए। अगर वो रिपीट नहीं कर रहा है तो वो मेरा रेशनल नंबर मतलब रेशनल नंबर नहीं होगा। जो नॉन टर्मिनेट, देखो यहाँ 2 terms में बता रहा हूं, टर्मिनेट का मतलब हुआ पूरा पूरा कट जाना दशमलव के बाद भी, नॉन टर्मिनेट का मतलब हुआ जो ना कटे, कभी ना कटे। बट अगर रिपीट कर रहा है, एक ही संख्या बार बार आ रहा है कुछ टर्म, जैसे कि यह हो सकता है यहाँ पर 1.12, 1.2, 1.2, यहाँ पर 2 संख्या लगातार निरंतर अंतराल पर कंटिन्यू रिपीट कर रहा है, जब ऐसा कोई संख्या दिख जाए तब हम बोलेंगे ये आपका सेकेंड टाइप में आएगा, ठीक है, रेशनल नंबर के सेकेंड टाइप में आएगा, इसको भी हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे, समझ के चलो, ठीक है। और जो आपका नॉन रिपीटिंग हो जाए, जो रिपीट ना करे, वो आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा, समझना है, ठीक। अब यहाँ पर मेरा कौन कौन सा नंबर आ गया, तुरंत बोलोगे भैया 2/3 डिवाइड किए तो 0.666 हो गया, ये .. आते जा रहा है, जिसको हम लोग 0.6 पर रैकरिंग कहेंगे, आराम से बोलेंगे ये हमारा रेशनल नंबर का सेकेंड टाइप है। अगेन, अगर रहेगा यहाँ पर 4/3 रहेगा तो हम लोग क्या ही कहेंगे, तो 1, 3, 3, 9, यहाँ पर 3, 3, 3 रैकरिंग कर दिया है, अर्थात हम बोल सकते हैं 1.3 पर रैकरिंग हो गया, तो यहाँ पर ये हमारा रेशनल नंबर है। आप कंफ्यूज मत करना, रेशनल नंबर नहीं है, तो आप यहां नोट डाल के लिख लो, अगर ऐसा कोई टर्म मिल जाए जो कि टर्मिनेट भी ना करे और रिपीट भी ना हो, उसको हम लोग नॉन इरेशनल नंबर कहते हैं। अर्थात नॉन रेशनल नंबर कहते हैं। तो नाम क्या होगा उसका, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर में कैसा टर्म आएगा, पहले हम लोग एग्जांपल ही देख लेते हैं उसके बाद लिखेंगे। रेशनल नंबर में कैसा टर्म आएगा, देखो ध्यानपूर्वक, 1.01001001001001, यहां पर कहीं पर आपको रिपीट करता हुआ नहीं दिखेगा, तो इसमें आपको 2 terms ध्यान में रखना है। रेशनल नंबर तभी होगा जो वो मेरा नॉन टर्मिनेट हो और एंड नॉन रिपीटिंग हो,
मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। इतना हम लोग रियल नंबर्स में पढ़े थे, इसके अलावा भी कुछ पढ़े थे। इसके अलावा हम लोग ये पढ़े थे कि डिनोमिनेटर अगर 2 पर पावर m के रूप में हो, या 5 पर पावर n के रूप में हो, या 2 मल्टीप्लाई 5 पर पावर होल मतलब 2 मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई 5 पर पावर n के रूप में होगा, तो हम लोग तुरंत जान लेते हैं वो हमारा टर्मिनेट करेगा। इसलिए हम लोग पढ़े थे। क्या मैं बता दूं? जल्दी बोलो, बता दूं या छोड़ दूं? ये जी बता ही दीजिए ना, समय लगेगा लगेगा, लेकिन जल्दी बताइए। ठीक है ठीक है, यहाँ देखो, चलिए इसको उतार लो आप। यहाँ पर मुझे कुछ लिखना था, इधर आपके पास जगह होगा ना नोटबुक में? मेरे पास जगह नहीं है, तो क्या हुआ, मिटा की जगह बना लेंगे। आप मिटा की जगह मत बना लियो, ठीक। आपको नीचे यहीं पर कहीं लिख लेना है टर्मिनेट में, और रूल है, थोड़ा सा रूल है, उस रूल को देख लो, ठीक है। हम इधर मिटा देते हैं इसको, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। आप लिख लिए होगे, ऐसा मान के चल रहे हैं, फटाफट लिखोगे। अब टर्मिनेट का कुछ रूल देख लो, बगल में ही रूल लिख देते हैं आपके लिए। यहीं पर टर्मिनेट का प्यारा सा कुछ रूल है, उस रूल को लिख लेते हैं। बाकी आप कहाँ लिखोगे नोटबुक में, वो आप अपने अनुसार, मच्छर परेशान ना करते ना, आप अपने अनुसार सोच समझ के लिख सकते हो। यहाँ टर्मिनेट का प्यारा सा रूल था, कुछ कंडीशन लिख रहे हैं, ध्यान से समझोगे। क्या कंडीशन? या तो डिनोमिनेटर मेरा ऊपर कुछ भी हो, हमें नहीं पता, ऊपर कुछ भी हो जाए, हमका उससे मतलब नहीं है, ठीक है, हमका उससे मतलब नहीं है, कुछ भी हो जाए, हम सिर्फ डिनोमिनेटर की बात करेंगे। अगर डिनोमिनेटर मेरा 2 पर पावर एम के रूप में हो जाए, या फिर 5 पर पावर एन के रूप में हो जाए, या फिर 2 पर पावर एम मल्टीप्लाई 5 के पावर के एन के रूप में हो जाए, अगर डिनोमिनेटर ऐसा कुछ दिख रहा है, ऊपर पे कोई भी नंबर रहे ना, हमको उससे का मतलब है, एनी नंबर रहे हमारा ओके से क्या मतलब? भैया जी क्या ही बोल रहे हैं आप, कैसे बोल रहे हैं, शर्म, आपको शर्म नहीं आता क्या? कुछ भी बोल देते आप। अरे हम इसलिए बोलते हैं कि आप ध्यान मत रखो। यहाँ देखो, अगर मेरा डिनोमिनेटर कुछ भी 2 पर पावर m के रूप में हो, भैया 2 पर पावर m मतलब हम बोल देंगे 2 पर पावर 6, इसका मतलब समझते हैं भैया जी को, था 2 का 6 बार मल्टीप्लाई, हाँ हम वही बोलना चाह रहे हैं। अगर 2 के पावर के रूप में रहेगा नीचे का टर्म, तो वो पक्का का पक्का टर्मिनेट करने वाला है, ओके। अगर नीचे का टर्म 5 के पावर के रूप में रहेगा, 5 पावर तो 25 रहेगा, तो भी वो मेरा टर्म जो है टर्मिनेट करेगा। अगर नीचे वाला टर्म जो है 2 का पावर एम मल्टीप्लाई 5 के पावर एन के रूप में रहेगा, तो भी वो मेरा टर्मिनेट करेगा। ये तीनों कंडीशन में अगर डिनोमिनेटर एक बार आपको यहाँ लिख देते हैं, इसका मतलब हुआ कि डिनोमिनेटर अगर डिनोमिनेटर मेरा 2 पर पावर एम 5 पे पावर एन और 2 पे पावर एम मल्टीप्लाई 5 पे पावर एन के रूप में रहेगा, तो वो मेरा टर्मिनेट होएगा। मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया होगा, बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, कहीं पर कोई भी समस्या ना हुआ होगा। इससे क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता, आपसे पूछा जाएगा 3/125 दिया हुआ रहेगा, पूछा जाएगा ये मेरा टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा, तो आप क्या बोलोगे? सिंपल सा 125 का हम प्राइम करते हैं, नहीं पहले आपको सिंप्लीफाई करना है, देखोगे सिंप्लीफाई होवत है कि ना होवत है। तो भैया बहुत अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई करने पर ये पता चला कि ये हमका, ये मेरा सिंप्लीफाई ना होने वाला, तब उसके बाद आपको सोचना है 125 का यहाँ पर हम जो है प्राइम फैक्टर करने वाले। तो प्राइम फैक्टर करने के बाद ये पता चला कि 125 को हम लोग लिख सकते हैं 5 पर पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात यहाँ पर 3/5 पर पावर 3, जैसे ये 5 पावर n के रूप में दिख गया, हम तुरंत बोल देंगे भैया ये हमारा टर्मिनेट होगा। मेरे ख्याल से हम पूरा का पूरा रेशनल मतलब रियल नंबर्स जहां तक शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाना चाहिए था वो समझाए हैं, ठीक है। सिर्फ इंपॉर्टेंस पॉइंट को ही आपके बीच रखे हैं, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपको 7 क्वेश्चन अपना कंटिन्यू जारी ही रखना पड़ेगा, ठीक है, कंटिन्यू जारी रखना पड़ेगा। चलो हम लोग फटाफट से क्वेश्चन देखेंगे। हाँ जी, ज्यादा समय हम लोग अब एक्सपेंड नहीं करने वाले, एक्सपेंड करते हैं, हाँ एक्सपेंड नहीं करने वाले, ठीक है। यहां देखोगे समझना है, सिर्फ आपको अब समझना है और कछु ना करना। वैसे आज डेट कौन सा है भैया? डेट आज आपका जो है 2 अक्टूबर है। हाँ जी 2 अक्टूबर है, बिल्कुल सही। वैसे 2 अक्टूबर का इंपॉर्टेंट डे क्या हुआ वो भी जान ही लेते हैं, जब हर दिन देख रहे हैं तो आज भी देख ही लेते हैं। 2 अक्टूबर जैसे हमारे दिमाग में आएगा, तुरंत हम लोग के दिमाग में जो है महात्मा गांधी का चित्र आने लगता है। हाँ भैया जी, महात्मा गांधी, आज महात्मा गांधी का जयंती है, महात्मा गांधी जयंती है आज। हाँ जी, गांधी जयंती, ओके, महात्मा गांधी जयंती है, ठीक है। अगेन और कुछ है क्या आज? आज इंटरनेशनल लेवल पर अहिंसा दिवस मनाते हैं हम लोग। पता होगा अहिंसा दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी जो है वो अहिंसा के पुजारी थे, इसलिए उन्हीं को सम्मान देते हुए इंटरनेशनल लेवल पर, हाँ जी इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग अहिंसा दिवस मनाते हैं, नॉन वायलेंस डे मनाते हैं, ठीक है। यहाँ लिखोगे इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस,
सेंस, ठीक है ठीक, इतना समझ के चलना क्या क्या है क्या नहीं है ठीक। और आपको मैं ये भी बता दूं, आज आपका 2 अक्टूबर हुआ, मेरे पास समय मात्र 20 अक्टूबर तक का ही है, हमको 45 लेक्चर तक पहुंचना है तो पहुंचना है, इस बात को समझ के चलना। चलो हम लोग बड़े स्पीड से यहां पहुंचते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखोगे बड़े आराम से देखोगे, कहीं पर समस्या होगा तो पूछ लियो भैया, हाँ समझ में ना आवत है हमका, यहाँ देखोगे पहला नंबर क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन क्या है, ये आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और एक्स का वैल्यू निकालना है। इस इक्वेशन को देखने के वाले का प्रयास करोगे आप इसका एक्स का वैल्यू खुद से निकालने का, कैसे निकालोगे भैया जी, हम जाना था एक्स प्लस वन बटे एक्स माइनस वन है, प्लस एक्स माइनस टू बटे एक्स प्लस टू है, इक्वल टू वहाँ क्या है, फोर है कि वन है, फोर होगा, वन होगा ना, तो गलती होगा, अगर गलती होगा ना तो थोड़ी है, रहने दो, हाँ यहाँ ध्यान दो। और ये क्या फंडा है, वेयर एक्स डज नॉट इक्वल टू वन, एक्स डज नॉट इक्वल टू माइनस टू, एक्स डज नॉट इक्वल टू टू का, इसके बारे में जानत हो भैया? हाँ, यहाँ पर जीरो नहीं हो सकता, यहाँ जीरो नहीं हो सकता, यहाँ जीरो नहीं हो सकता, अर्थात यहाँ एक्स का वैल्यू अगर वन ले लेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, अगर एक्स का वैल्यू यहाँ माइनस टू ले लेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, अगर एक्स का वैल्यू यहाँ टू ले लेंगे तो जीरो हो जाएगा। इसलिए यहाँ कहा गया है भैया कि एक्स का मान वन नहीं ले सकते, माइनस टू नहीं ले सकते, टू नहीं ले सकते। काफी समझदार हो रहे हो आप, बहुत अच्छे, अर्थात इसलिए वो टर्म वहां पर आया हुआ है, आपकी समझदारी पे हमें फक्र हो रहा है। अगेन इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व किस प्रकार करेंगे भैया, एक काम करते हैं ना, जितना एक्स वाला है सबको एक साइड देते आइए ना, तो आपको आसानी होगा सॉल्व करने में, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, जितना भी एक्स वाला है सबको हम एक तरफ ही लेते आते हैं, सबको एक साथ खिचड़ी में रख करके हम सॉल्व कर लेंगे, वैसे नहीं भी लाओगे तो सॉल्व होएगा, परेशान ना होगे आप, ठीक है। चलिए एक्स वाले भैया को सब एक जगह इसलिए लाए कि कुछ तो, हाँ जी, कुछ तो ऐसा हम लोग के साथ हो जो जल्दी सॉल्व हो जाए। x माइनस वन से डिवाइड किए, सिर्फ ये दो टर्म बचा, इसका मल्टीप्लाई x प्लस वन के साथ करेंगे तो भैया क्या ही होगा, हमका कुछ समझ में ना आ रहा, कुछ ऐसा बताइए जो जल्दी बने भैया। जल्दी बनाने का एक ही कंडीशन है कि आप पूरा ध्यान यहाँ एकाग्र रखो, x प्लस टू से इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो सिर्फ ये दो टर्म बचेगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो x माइनस वन का मल्टीप्लाई x माइनस टू, ये दोनों टर्म बचा यहाँ लिख लिए, इसका मल्टीप्लाई x माइनस टू के साथ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। अगेन यहाँ पर x माइनस टू से यहाँ डिवाइड किए, सिर्फ ये दो टर्म बचा, इसका मल्टीप्लाई इस वाले टर्म के साथ करेंगे। अच्छा करते हैं भैया, इसमें कौन सी समस्या है, हम सारे मल्टीप्लाई को यहाँ कर डालेंगे, जितना मल्टीप्लाई होता है ना सारा मल्टीप्लाई कर डालेंगे, यहाँ आपका कॉपी ही खत्म हो रहा है, ऐसा हो नहीं सकता कॉपी खत्म हो जाए, हाँ मिटा डालेंगे क्वेश्चन को, इसको सॉल्व करना है भैया, ये सॉल्व करना है सबसे भारी काम लगता है हमका। सुनो अब सॉल्व क्या करना है, इस दो टर्म को देखो आर का चुना, अब है भी नहीं फॉर्मूला लगने वाला, यहीं पर आपका फॉर्मूला लग सकता है, जहां फॉर्मूला लगेगा वहां हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, और कहीं फॉर्मूला लगेगा, हाँ एक काम करे, कॉमन लेना नहीं है अभी हम लोग को, ठीक है, क्योंकि फिर वही टर्म आ जाएगा, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर, यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं, जहाँ फॉर्मूला लगेगा वहाँ फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे। तो भैया सॉल्व करते हैं ना, यहाँ गंदा कैलकुलेशन होने वाला है, तो कृपया करके अपने कुर्सी पे बैठते नहीं हो आप, जिस पे बैठते हो उसके यहाँ पे कुछ अपने आप को संभाल के रखना, गिर मत जाना, यहाँ बहुत ज्यादा गंदा कैलकुलेशन होने वाला है, देखो कैसे कैलकुलेशन करते, हाँ आपको भी करना होगा ये कैलकुलेशन, हाँ जी यहाँ ध्यान दोगे, यहाँ पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का बात किया जा रहा है, जो पहले उसको लिख लेते हैं, ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कहीं पर कोई समस्या तो पूछिएगा, ये फॉर्मूला यहाँ लगाएं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं, अगेन प्लस का प्लस एक्स माइनस वन हुआ, यहाँ पर भी फॉर्मूला लगेगा, ए माइनस एक देर रुको गया, ठीक है थोड़ा देर रुको गया, चलो अब सही लग रहा है, अभी कुछ सही लग रहा है, यहाँ देखते भैया जी, ये मत बताइएगा आप एक मिनट क्यों रोके थे, मुझे पता है यहाँ देखो, यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, अर्थात इसको हम लोग बोल सकते हैं, अरे मेरी प्यारी बहन, यहाँ देखो अच्छे से देखोगे, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, इसको क्या बोल सकते हैं, जैसे दो गुना दो क्या बोल सकते हैं, दो स्क्वायर, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, बोल सकते नहीं बोल सकते, यहाँ पर इसका सेम मल्टीप्लाई दो बार किया हुआ है, हम बोल सकते हैं x माइनस टू का होल स्क्वायर, ये हम फॉर्मूला जाना था x माइनस टू का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, अर्थात 4x, अपना दिमाग यहाँ अच्छे तरीके से लगाओगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दो के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स गुना दो फोर एक्स हो गया, माइनस फोर एक्स कर दिए, क्या ही समस्या था, कछु समस्या ना था, आराम से हम लोग लिख सकते हैं ये, ठीक है यहाँ लिखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, अर्थात 4x हो गया। अगर ये चीजें समझ में नहीं आएंगे तो मैं फिर से आपको फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला की दुनिया में ले जाने वाला, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ ये छोटा मोटा काम करेंगे,
अगर वो समझ में नहीं आ रहा है तो ये भी समझ में ना आएगा, हम ऐसा मान के चलेंगे। अगर वो समझ रहे हो तभी इसको आप बना पाओगे, ठीक है। अगेन आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या ही करें भैया, किसी को मल्टीप्लाई कर दे तो इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसको किसको 2x + 3 × x + 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई रफ में ही करने वाले टोटल, वरना आप बगल में कर सकते हो मल्टीप्लाई, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं, यहाँ पर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किए 2 × x² हो गया, हाँ भैया इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किए तो 2 × 2 = 4 हो गया, x का x हो गया, प्लस 3 का मल्टीप्लाई के साथ किए तो 3x हो गया, फिर प्लस 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ किए 6 हो गया, ये टर्म आ रहा है आपका। ध्यान से देखो कैसे कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। 2x का मल्टीप्लाई x के साथ मेरा कितना हुआ, मेरे प्यारे भैया आप ऐसे ना पढ़ाइए ना, बहुत तकलीफ दे रहा है। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था यहाँ पर बहुत ज्यादा गंदा कैलकुलेशन होने वाला, तो क्यों आप घबरा रहे हो, आपको घबराना नहीं है ना। 2x का मल्टीप्लाई x के साथ तो 2x² हो गया, 2x का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 4x हो गया, 3 का मल्टीप्लाई x के साथ 3x हो गया, और 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 6 हो गया। बहुत प्यारा सा यहाँ पर हम लोग का टर्म आ चुका है, अब आराम से नीचे में हम लोग सॉल्व करने वाले, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, अभी और मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, घबराओ मत, अभी और मल्टीप्लाई होने वाला, अभी घबराना नहीं है आपको, भेजिए और मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसी में तो हम परेशान हो रहे हैं। यहाँ देखो x - 1 × यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे अभी हम लोग a + b × a - b, क्या हो गया a² - b² अर्थात 4, ठीक है। कहीं कोई समस्या, लो अच्छे से लिख देते हैं a + b × a - b, a² - b² हो गया, ये कहीं समस्या है, इसमें समस्या नहीं होगा। फॉर्मूला 3-4 फॉर्मूला लग रहा है, a - b² a + b² a - b × a + b, ये सब फॉर्मूला बच्चे बचपन से याद करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखोगे, अब देखो मजा कैसे आने वाला भैया जी, सही में अब क्या ही कीजिएगा, इसी में तो बहुत ही मजा आ गया, अब छोड़ दीजिए। देखो अब बारी बारी से हम सॉल्व करेंगे और कटाने वाले हैं, कौन कौन कट लिया है कौन कौन नहीं कट लिया है उसको देखेंगे समझेंगे जानेंगे परखेंगे। ये जो होने वाला ये आपके लाइफ का ऐसा कैलकुलेशन होने वाला, शायद आप वो कैलकुलेशन अभी तक तो नहीं किए होंगे जो आज करने वाले हो, ठीक है। हम थोड़ा जगह दे रहे हैं, थोड़ा अच्छे ढंग से इस पर समय देंगे, आपके कैलकुलेशन को और स्ट्रांग करने का प्रयास करेंगे, और आपको भी अपना टाइनियर रखना होगा, कहीं भैया गलती ना कर दें, ठीक है, क्योंकि भैया बहुत ज्यादा ही गलती करते हैं। भैया जी ऐसा आपने आपको ना बोलिए, आप गलती ना करते हैं, मुझे तो लग रहा है मैंने गलती कर दिया है, आप गलती नहीं किए भैया। देखो यहाँ कैसे क्या करना है, x का मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म के साथ करेंगे, इस x का मल्टीप्लाई पूरे टर्म के साथ करने वाले, फिर 1 का मल्टीप्लाई पूरे टर्म के साथ करने वाले, बड़े आराम से बनाएंगे। x का मल्टीप्लाई करो x × x², मेरा x³ हो गया, ठीक है। हर एक टर्म पे ध्यान दोगे तो आराम से बनेगा, यहाँ 2 × 4, ठीक है, यहाँ दो माइनस प्लस का फंडा करेंगे, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ माइनस आ गया। x का मल्टीप्लाई 4 के साथ तो मेरा 4x हो गया, हाँ भैया। फिर 1 की बारी, एक x का मान खत्म, अब 1 से इस पूरे टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस × प्लस हो गया, 1 का मल्टीप्लाई x² के साथ x² हो गया, प्लस × माइनस हो गया, 1 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, ये 4 है यहाँ पर, 2² का मतलब 4 है, तो 1 × 2² यहाँ पर मेरा 4 आ गया, हाँ भैया ये बातें हमका समझ में आ गई है। आगे बढ़िए, यहाँ पर प्लस का प्लस, ठीक है, माइनस रहेगा तब समस्याएं बढ़ जाती है, दिल का धड़कन तेज हो जाता है माइनस रहने पर, लेकिन माइनस नहीं है तो हमका कोई मतलब नहीं किसी से, इस x का मल्टीप्लाई इसके पूरे टर्म के साथ करेंगे बारी बारी से, ठीक है। तो यहाँ पर x का मल्टीप्लाई x² के साथ तो x³ हो गया, x का मल्टीप्लाई 4 के साथ तो यहाँ पर 4x हो गया, x का मल्टीप्लाई इसके साथ तो -4x² हो गया। माइनस प्लस का ध्यान देना, यहाँ पर प्लस था, प्लस × प्लस ही रहा, प्लस × प्लस रहा, प्लस × माइनस रहा, हर एक प्लस माइनस पर आपको बारीकी ढंग से ध्यान देना है वरना गलत हो जाएगा। अब यहाँ -1 है, यहाँ माइनस आ गया, दिल का धड़कन अप डाउन हो रहा होगा आपका भी और मेरा भी, बिकॉज यहाँ पर चेंज करना होगा, -× प्लस मेरा माइनस होगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही टर्म आएगा। अच्छा ये सही रहा, -× प्लस माइनस होगा, अगेन 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही टर्म आने वाला, -× माइनस प्लस होने वाला, अगेन 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही टर्म आने वाला। भैया ये और अच्छा था, अब x का मल्टीप्लाई पूरे टर्म के साथ करना है तो करत है ना, यहाँ प्लस है, चलो प्लस है तो अच्छी बात है, चिन्ह परिवर्तन ना होगा, x × 2x² भैया 2x³ हो गया, भैया ये तो और आसान लग रहा है हमें, हाँ आसान लगेगा ही, x × 4x क्या होगा, 4x² हो जाएगा, x × 3x क्या होगा भैया, 3x² हो जाएगा, अगेन x × 6 क्या होगा भैया, 6x हो जाएगा, लेकिन यहाँ भैया माइनस आ गया, लेकिन साथ में 1 है, 1 का मल्टीप्लाई किसी भी टर्म के साथ करेंगे तो वही टर्म रहेगा, लेकिन ये माइनस भैया के कारण क्या हो रहा है, मतलब हमको जो है ये गुज बम्स नहीं आ रहा है, मतलब क्या आ रहा है भैया जी, साइन चेंज करना है हम लोग को, साइन चेंज करेंगे, जब भी माइनस आता है ना तो आप सचेत हो जाना, कुछ तो यहाँ परिवर्तन होने वाला है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबका चिन्ह परिवर्तन होगा। अच्छा करते हैं भैया, माइनस से मल्टीप्लाई तो माइनस सेम वही रह जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है,
इसका सिंबल चेंज माइनस सेम वही रहेगा, सिंबल चेंज माइनस सेम वही रहेगा, सिंबल चेंज माइनस सेम वही रहेगा। अब बताइए कहीं कोई समस्या है तो पूछिएगा, भैया क्या है समस्या, क्या होता है भैया, वो हमका भी ना पता है समस्या क्या होता है। एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब हो गया, अच्छा भैया यहाँ से एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस फोर एक्स हो गया, फिर यहाँ पर माइनस है फिर माइनस आ गया, फिर अपने आप को संभाल लेना, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर फोर हो गया आपका। बस यही प्यारा सा मेरा इक्वेशन आया, कैलकुलेशन जो बोलो आप, यहाँ क्यूब है, यहाँ क्यूब है और कहीं क्यूब है, यहाँ क्यूब है और कहीं क्यूब है, देखोगे क्यूब, क्यूब की पहचान में मतलब क्यूब के तलाश में हम लोग निकले हैं, और जहां जहां क्यूब दिखेगा उसको हम अपने कब्जे में ले लेंगे, और कहीं पर क्यूब नहीं है, और क्यूब नहीं है तो ये और अच्छी बात नहीं है। सारे क्यूब को देखो, इसके क्यूब के आगे में यहाँ वन छिपा हुआ है, यहाँ वन छिपा हुआ है, यहाँ टू है, मतलब एक्स क्यूब प्लस टू एक्स क्यूब, इसका मान कितना होता है, तुरंत बोलोगे भैया ये सारा टर्म सेम है। जब टर्म सेम रहता है तो हम लोग बड़े आराम से जोड़ते हैं, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब लिख दिए, यहाँ वन है, वन है, टू है, मतलब यहाँ फोर हो गया, अर्थात फोर एक्स क्यूब हो गया। अब इसी प्रकार हम लोग जोड़ने वाले हैं, अगर आपका हाँ जी जो हम सिखाए थे जोड़ घटाओ वो क्लियर होगा तो यहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से आप बना पाओगे, वरना ये समझ में आपके नहीं आने वाला, ठीक है, इतना समझ के चलना। अब यहाँ आपको दो मिनट और ध्यान देना होगा, और यहाँ पर जिस प्रकार बगुला मछली के ऊपर सारा का ध्यान मतलब सारा ध्यान आकर्षित रखता है तब वो अपने भोजन को प्राप्त कर सकता, या हम तो बगुला ना है ना, तो क्या ही दिक्कत है, उसके ध्यान को देख लो आप, ध्यान को ऑब्जर्व कर लो किस प्रकार वो ध्यान केंद्रित करता। अब सारा का सारा ध्यान यहाँ पर लगाना होगा, खोजना होगा कहाँ पर कौन सा टर्म है, ठीक है। अब वो आपके पैनी नजर की बात होगी, भैया ये पैनी नजर क्या होता है, अभी चलेगा पता ये पैनी नजर क्या होता है। यहाँ पर एक्स क्यूब वन है, यहाँ पर छिपा वन प्लस वन प्लस टू कितना होगा, वो एक्स क्यूब को छोड़ो अभी, वन प्लस वन प्लस टू मेरा फोर हो गया, प्लस फोर एक्स क्यूब था, एक्स क्यूब लिख दिए, ठीक है। अब एक्स क्यूब वाला टर्म खत्म, हटाओ एक्स क्यूब। अब एक्स स्क्वायर कहाँ, यहाँ एक्स स्क्वायर है, और कहीं एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, और कहीं यहाँ एक्स स्क्वायर है, और कहीं है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, और कहीं नहीं है, ठीक है, और कहीं नहीं है ना, बिल्कुल और कहीं नहीं है। एक अच्छे से देख लो, एक्स स्क्वायर कहीं छूट ना जाए, कहीं छूट ना जाए, छूट ना जाए, कहीं छूट ना जाए। चलिए अब हम लोग यहाँ पर एक्स स्क्वायर को अब नहीं देखना, यहाँ पर वन है रफ निकालो वन लिख दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ माइनस फोर है तो माइनस फोर लिख दिए, फिर यहाँ माइनस वन है तो माइनस वन लिख दिए, फिर यहाँ मेरा प्लस फोर है तो प्लस फोर लिख दिए, फिर यहाँ पर प्लस थ्री है तो प्लस थ्री लिख दिए, यहाँ पर माइनस टू है तो माइनस टू लिख दिए। इसको अगर सॉल्व करने आता है तो आराम से आराम से आराम से बनाओगे आप, कहीं कोई समस्या ना होगा। इस माइनस फोर प्लस फोर ये कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस वन माइनस वन ये कैंसिल आउट हो गया, बचा कौन थ्री माइनस टू, यहाँ मेरा माइनस वन बचा, अर्थात मेरा माइनस एक्स स्क्वायर होने वाला, अंतिम में एक्स स्क्वायर लगाना है ना, तो माइनस एक्स स्क्वायर होने वाला, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं, जब भी ऐसा इक्वेशन आएगा बड़े आराम से सॉल्व करते हैं इसी प्रकार। तो एक्स स्क्वायर का टर्म भी अब खत्म, अब हम एक्स के टर्म की तरफ चलेंगे, ठीक है। चलिए एक्स का टर्म, यहाँ है 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 एक्स का टर्म, यहाँ पे है, यहाँ पे है, और कहीं है और कहीं नहीं है। चलो सबका स्टार्टिंग का पॉइंट लेंगे, माइनस फोर माइनस फोर स्टार्टिंग का नंबर लेना है, एक्स का सिर्फ टर्म लेना है, ठीक। यहाँ पर प्लस फोर है, हाँ भैया यहाँ पर प्लस फोर है, हाँ भैया ठीक है, और कहीं कुछ है, यहाँ प्लस सिक्स है, प्लस सिक्स है, माइनस फोर है, माइनस फोर है, माइनस थ्री, देखो कोई कट रहा है, ये इसे ये कट रहा है, इसे ये कट रहा है, छः में तीन क्या तीन हो गया, अर्थात थ्री एक्स हो गया, तो लिखना है प्लस थ्री एक्स। देख लो कितना आसान है अगर सॉल्व करने आता है तो, वरना इसे बहुत समस्याएं हैं, इस बात को समझ के चलना, ठीक। ये तो समझ में आ गया, x वाला टर्म समझ में आ गया, x क्यूब देख लिए, x स्क्वायर देख लिए, x देख लिए, अब हम लोग कांस्टेंट टर्म देखेंगे। हाँ भैया कांस्टेंट टर्म देखिएगा, बिल्कुल सही, कांस्टेंट टर्म देखने वाले हम लोग। कांस्टेंट टर्म कौन कौन सा है, ये माइनस फोर है, यहाँ कांस्टेंट टर्म पर टिक लगाएंगे हम लोग। आप रफ में ऐसे करना या जैसे करो, दिमाग आपको रखना पड़ेगा कहाँ पर हम कोई टर्म छोड़ ना दे, कोई टर्म छूटेगा गलत हो जाएगा। यहाँ माइनस फोर है, यहाँ माइनस फोर है, यहाँ माइनस सिक्स है, और कहीं कुछ है, हमें भी ध्यान पूर्वक देखना होता है कहीं छूट ना जाए, नहीं है कुछ, तो माइनस फोर लिख लिए, माइनस फोर लिख लिए, माइनस सिक्स लिख लिए, और कहीं कोई टर्म नहीं है ना, एक बार अच्छे तरीके से देख लेना कहीं कोई टर्म छूट ना जाए, हम बार बार बोल रहे हैं,
टर्म छूटे या गलत हो जाएगा, इतना समझ के चलना ना। आप कोई टर्म नहीं दिख रहा और कोई टर्म होना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ जोड़ेंगे, सब माइनस का ही सिंबल है तो सबको जोड़ेंगे। माइनस और प्लस का सिंबल रहता है तब ही घटाते हैं, अगर सिंबल सेम रहेगा तो जोड़ते हैं। ठीक है, इस बात को समझ के चलना। यहाँ पर सिंबल सेम है, जोड़ेंगे, 10 4 14 माइनस 14 हो गया। बस इतना प्यारा सा रिजल्ट निकल गया, जहां तक हमको पहुंचना था वहां तक हम लोग पहुंच चुके। इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हो, कहीं कोई समस्या ना होगा भैया, समस्या आप बोलते ना होगा। यहाँ हमारा हालत खराब हो गया है, पता नहीं कहाँ कहाँ हो गया हमारा चार्ट है। आपको बोलना हो रहा है कि कोई समस्या ना होगा, इक्वल टू 4 हो गया। अभी भी लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, परेशान मत हो। हाँ जी, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है, हम ऊपर मिटाएंगे, नीचे से ऊपर जाने वाले। भैया जी, नीचे से ऊपर पहुंच जाता है, ऐसे तो ना कीजिए। हाँ, हम लोग बीच भवन में छोड़ के ना जाइए भैया। अरे हम कहाँ जा रहे हैं, यहाँ देखो इस वाले लाइन को फिर से लिखते हैं। अब आप खुद बना सकते हो इसके आगे। हाँ जी, यहाँ तक अगर सॉल्व हो गया है तो इसके आगे खुद ही बना सकते हो, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, सर नहीं आता है, इतना गंदा कैलकुलेशन मत दिया करो। हमें सख्त नफरत है उनसे जो ऐसा ऐसा कैलकुलेशन देता है, ऐसा सवाल नहीं चाहिए हमका, दिमाग लगने वाला सवाल चाहिए। लेकिन कोई नहीं, मैंने बताया है ना, हमेशा ऐसा नहीं होगा जो आपको सही लगता है। ठीक है, कभी अच्छा तो कभी बुरा होने वाला है, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। और हमेशा हमारी लाइफ में अच्छा बुरा दोनों होता है, तो हमको दोनों के लिए तैयार हमेशा रहना चाहिए। कभी किसी भी सिचुएशन में अपने आप को हारना नहीं है। जैसे कल का क्लास बहुत, मतलब छोड़ो, आगे चलते हैं। ठीक है, आज कुछ अच्छा फील हो रहा है, कभी खराब, मतलब कभी तबीयत डाउन तो कभी अच्छा फील होता। तो हमको किसी भी हालत में अपने आप को हार नहीं मानना है, हमेशा अपने कर्म को करते चलना है। ठीक है, आपको ही मैं बोल रहा, हमेशा अपने कर्म को करते चलो, करते चलो, करते चलो। अगेन यहाँ देखते हैं, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कहाँ ही होता है भैया जी, कहाँ ही हो जाएगा, कहीं कुछ अलग होने वाला क्या? अरे ना ही, अलग क्या होगा, यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, पहले इस टर्म को उतार लेते हैं, ऊपर वाले टर्म को। अच्छा ठीक है भैया, उतारिए ना, आपको कौन ही रोका है, आपको रोक कौन सकता है भैया, जो रोकेगा बोलिएगा, हम उसे लड़ झगड़ लेंगे। अरे कोई नहीं रोकेगा, इस 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इसको बराबर किस तरफ लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, तो यही मल्टीप्लाई कर दें, आप समझ जाओगे। इस 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ 4x³, अरे कर ही देते हैं, आप ना समझोगे तो कौन समझेगा। यहाँ माइनस तो माइनस, 4 का मल्टीप्लाई x² के साथ तो 4x², माइनस का माइनस, कैसे समझ रहे हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस का माइनस, 4 का मल्टीप्लाई 4 के साथ 16x, फिर माइनस प्लस का प्लस, 4 का मल्टीप्लाई 4 के साथ 16, सबको एक तरफ लेते हो। अरे इक्वल टू 4 हो गया, इक्वल टू 4 दिया है ना सब्जेक्ट का, बिल्कुल दिए। अगेन सबको एक तरफ लेके आओ, भैया जी अब मजा आएगा, हाँ अब मजा आएगा, अब मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस 4x³, इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस 4x², इधर लेके आओ प्लस 16x माइनस 16 इक्वल टू 0, सबका चिन्ह परिवर्तन हुआ। यहाँ देखो प्लस से माइनस हुआ, माइनस से प्लस हुआ, माइनस से प्लस हुआ, प्लस से माइनस हुआ, इस बात को समझ के चलना। चिन्ह परिवर्तन क्यों किए, बराबर किस तरफ ला रहे हैं, इसलिए चिन्ह परिवर्तन किए। यहाँ पर आप गलती करते हो वहां पर मैं आपको इंडिकेट कर देता हूँ, यहाँ गलती नहीं करना है आपको। अगेन यहाँ पर देखेंगे x³ वाला यहाँ है, x³ वाला यहाँ है, तो प्लस 4 - 4 क्या होगा, दोनों हरि बोल, जय सियाराम, खत्म। ऐसे तो ना बोलिए हरि बोल, ए और x³ वाला टर्म है ना, इसको रहने देते हैं, अभी x³ वाले टर्म को संभाल के रखना है। देखो भगवान हमको सद्बुद्धि दे, हाँ जी भगवान हमको क्या दे, सद्बुद्धि दे। यहाँ पर माइनस x² है, हम x³ लेकर के चल रहे हैं, क्या ही करेगा तू। हाँ अभी हम बगुला का एग्जाम्पल दे रहे थे, भैया तो बगुला बनने के लायक नहीं है, है? यहाँ ध्यान दो, भैया को मत बोलना ये सारी बातें, ठीक, अभी आप नहीं हो तो मैं बोल देता हूँ। यहाँ देखो यहाँ x² होना चाहिए, ठीक, यहाँ देखो x² है और कहीं x², यहाँ x² है, दोनों को ध्यानपूर्वक देखेंगे। यहाँ प्लस 4 है, यहाँ माइनस 1 है, तो कितना होगा भैया जी, यहाँ पर आपका प्लस 3x² हो गया, ठीक, ये x वाला है, ये x वाला है और कहीं x वाला है नहीं, तो 3 और 6 19 प्लस 19x हो गया। हाँ जी, अगेन यहाँ माइनस 14 है, यहाँ माइनस 16 है, तो आपका आपका हो गया 10 10 20 30 माइनस 30 हो गया इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कीजिएगा अब यहां से, अब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है, इसको सॉल्व कीजिएगा, हम सॉल्व करें, इतना कैलकुलेशन किया उसे आपको आराम नहीं मिला, हाँ इसको भी सॉल्व करवाओगे, सॉल्व करोगे इसको खुद से, भैया जी खुद से सॉल्व ना करेंगे, आप ही सॉल्व कर दीजिए। अच्छा हम ही सॉल्व कर दे, सही में हम ही सॉल्व कर दे, अच्छा हम तभी सॉल्व करेंगे जब इसका डीटा पूरा पूरा वैल्यू निकलेगा। अच्छा कंडीशन भैया जी, कंडीशन कंडीशन मत दीजिए, सॉल्व कीजिएगा। अरे नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है पहले देख लेते हैं, अगर निकल गया तो सॉल्व किए देंगे, ठीक। माइनस 4 ना, इस ना 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 इसका तो आपका इमेजिनरी रूट्स निकलने वाला, इमेजिनरी रूट्स ही निकलेगा, चलो सॉल्व किए देते हैं। हियर a = 3, b = 19 एंड c = -30,
नहीं नहीं इमेजिनरी रूट्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा, 3x60 माइनस माइनस प्लस 4ac 3×3 9 = 36। आगे सॉल्व करेंगे जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे नाउ d इक्वल टू क्या होता, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता। हाँ भैया b का मान 19 है, उसका स्क्वायर किए माइनस 4, a का मान 3 है, c का मान माइनस 30 है। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, 361 हुआ, माइनस 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 प्लस हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4×12 = 36, 360 हो गया, इसका निकलेगा रूट 1 1 7 21। 7 21 किसी का रूट निकलता, देखते हैं। नहीं निकलेगा, एक है ना, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, रूट्स रूट्स इसका नहीं निकलने वाला। तो क्या निकलेगा इसका, 9 से खाएगा 8 से नहीं खाएगा, 721 ही रहेगा। इसका रूट जो है सिंपल सा रूट, मतलब इसका जो x का वैल्यू है वो रूट के टर्म में ही निकलने वाला। तो हम लोग यहाँ निकालेंगे, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय 2a। आराम से सॉल्व करेंगे, माइनस बी का वैल्यू 19 प्लस माइनस रूट अंडर 721 बटे 2 गुना a का मान 3। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम लोग का निकल जाएगा सॉल्यूशन, माइनस 19 प्लस माइनस रूट अंडर 721 बाय 3×6। तो देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 19 रूट अंडर प्लस रूट अंडर 721 बाय 6। अगेन x इक्वल टू माइनस 19 माइनस रूट अंडर 721 बाय 6, x का मान निकल चुका है, ठीक है। बस इस तरह x का यहाँ एंड लगा दो, दोनों अलग अलग तरीका, बीच में एंड का प्रयोग कर देना, ठीक है। ऐसे क्या लगता है, लगता है इसी के आगे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, लगता है ना इसके आगे सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए बीच में एंड का प्रयोग कर दो तो अच्छा रहेगा, एग्जामिनर को भी लगेगा अच्छा हाँ इसके बाद ये लाइन नहीं लिखा है यहाँ पर, वो सॉल्यूशन लिखा है, तो बीच में एंड लगा दिया करो, ओके। हाँ भैया समझ में आ गया। अगेन ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब इस क्वेश्चन को बनाएंगे नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह, यहाँ पर अलग दिमाग लगा रहे हैं, देखो कैसे दिमाग लगाते हैं, ठीक है। मेरे साथ अगर दिमाग लगाओगे आप तो सोचो इसको हम 3-4 लाइन में कंप्लीट कर देते हैं, हाँ कहीं आशा ऊपर वाले को भी तो हम कंप्लीट नहीं कर सकते 3-4 लाइन में। अच्छा बाद में वो दिमाग लगाएंगे, यहाँ स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि हम लोग जो है ना एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे और इधर कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस ए बाय ए प्लस बी निकल जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को लिखो पहले, अपना अपना भी दिमाग लगाओ, हम भी दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ए प्लस बी बाय ए बाय इंटू एक्स हुआ प्लस 1, इसी भी अगर कॉमन ले लें तो एक्स यहाँ बचा प्लस, ये पता है आपको, हाँ ध्यान से समझोगे ये है। इससे अगर हम लोग ए प्लस बी बाय ए कॉमन लेंगे तो यहाँ एक्स बचा, यहाँ क्या बचेगा, सिंपल सा इसमें डिवाइड कर देते हैं, 1/a + b/a से डिवाइड कर देते हैं, ये पता है आपको, नहीं पता फिर से समझो। ये क्वेश्चन हो गया, इसको मिटाने दो हमको। ये टर्म पता होगा, इसको हम लोग 4 से 5 लाइन में सॉल्व कर लें। अगर ये टर्म नहीं पता होगा आपको फिर हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर ले जाएंगे, ठीक। जैसे आपको आसानी लगे हम वैसे बताएंगे, मुझे लग रहा है ये आसानी से सॉल्व होने वाला है। यहाँ देखो अगर ऐसा रहेगा 7x + 3 है, हम क्या करें 7 कॉमन ले लिए, यहाँ x बचा, यहाँ पर 3 है ना, हाँ भैया हम 3 में 7 से डिवाइड कर देंगे, ये तो पता होगा आपको, बिल्कुल पता होगा। अगर पता नहीं है पहले इसके बारे में पहले जानोगे तब इधर बनाओगे, ठीक। ये तो हम जानते हैं, अब आराम से सॉल्व हो जाएगा। क्या ट्राई करना चाहोगे आप भैया, ना ट्राई हम दीजिए, आप बताइए, हम हल्दी बताइए। देखो कैसे बनाएंगे इसको हम लोग, सिंपल सा यहाँ इक्वेशन लिखा हुआ है, उस इक्वेशन को हम लोग बड़े आराम से बहुत अच्छे तरीके से हम लोग उतार लेते हैं। प्लस ए प्लस बी बाय ए इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इस x का मल्टीप्लाई बारी बारी से करने वाले। अच्छा भैया बारी बारी से करने वाले आप, हाँ जी हम लोग बारी बारी से x का मल्टीप्लाई करने वाले, तो यहाँ किए लेते हैं ना, इसमें कौन सी समस्या है। अच्छा भैया ठीक है कर लिए मल्टीप्लाई करने के बाद फिर क्या किया जाए, सिंपल सा आप कॉमन लेने वाले, यहाँ x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, किससे बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसका उपयोग करना है या फिर कुछ अतरंगी सा काम करना, जैसे कि मैं करने वाला हूँ, पहले ये देख लो अगर अच्छा लगेगा तो, वरना ठीक, वरना यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है, सी का मान दिया हुआ है, ठीक है। इससे पहले देखते हैं, कुछ नया करने का प्रयास कर रहे हैं, उम्मीद करो कि वो सक्सेस हो जाए, मजाक नहीं करना, ऐसा नहीं हे भगवान गलत हो जाए, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहीं प्रयोग करें ऐसा मन में नहीं सोचना है आपको, आप सोचो भैया जो बना रहे हैं ना।
हो जाए, सक्सेस हो जाए। यहाँ देखो, और सक्सेस ही होगा, मैंने देख लिया कैलकुलेशन, ठीक है। यहाँ देखो कैसे क्या करना है, यहाँ पर x आ गया आपका, यहाँ x कॉमन लिए हैं तो आपका a बाय ए प्लस बी बचा। हाँ भैया ठीक, सेम इस टर्म को यहाँ ले जाएंगे, x प्लस ए बाय ए प्लस बी। यहाँ पर x में इससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x है, यहाँ लिख देते हैं प्लस ए प्लस बी बाय ए। क्या इस दोनों का मल्टीप्लाई करने पर बना रहा है, देखते हैं तब ना मेरा सही होगा। बिल्कुल इससे ये कटा, इससे ये कटा, बना रहा है, वरना ऐसे समझ में नहीं आता तो हम लोग समझेंगे इस प्रकार, वो समझो ऐसे समझ में नहीं आता, ऐसे देखो भैया समझ में आ गया था, क्यों मिटा दी, हाँ जो चीज समझ में आता है उसी को मिटा दिया आप। इस दोनों में देखो a प्लस बी बाय ए कॉमन लेना है, यहाँ x बचा, यहाँ 1 है, 1 में डिवाइड करेंगे इससे, ये टर्म आपको ऊपर चले जाएगा, समझ आए, ठीक कर रहे हैं हम लोग, हाँ ठीक कर रहे हैं। यहाँ ए था ना, ये टर्म ऊपर चले जाएगा, बिल्कुल अब सही है, वही हम सोच रहे थे क्या कर रहे हैं क्या ना कर रहे हैं, ये टर्म हमारा ऊपर चले गया, ठीक है, इन इक्वल टू जीरो। सेम वही चीज तो लिखे, सेम वही चीज तो लिखे हम लोग, हम लोग इससे पहले जो आपको बताए थे कि जो भी यहाँ रहेगा उसको यहाँ लिख लेना है, ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे यहाँ पर एक्स में किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई किया हुआ है, सिंपल सा ये टर्म यहाँ पर लिख लेना है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये टर्म आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये टर्म आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करके दिखाएं आपको वहां पर वन ही आ रहा था, इसलिए क्यों ही घबराना। अब यहां देखोगे सिंपल सा, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, ये कॉमन आ रहा, इसको कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस ए बाय सॉरी ए बाय ए प्लस बी है ना, हम लोग बी, अच्छा ठीक, इंटू कॉमन ले लिए, दोनों से इसको कॉमन ले लिए, बचा क्या इधर एक्स बच गया, यहाँ पर ए प्लस बी बाय ए बचा इक्वल टू जीरो, एक बार इसको जीरो के बराबर, एक बार इसको जीरो के बराबर, हाँ करते हैं, इफ x प्लस ए बाय ए प्लस बी इक्वल टू जीरो किए तो यहाँ से x का वैल्यू माइनस ए बाय ए प्लस बी आ गया, और एक बार इसको हम लोग जीरो के बराबर करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू माइनस ए प्लस बी बाय ए आ गया। बताओ कहीं कोई समस्या, कहीं पर कोई समस्या ना, यहीं पर मेरा सॉल्यूशन हो गया। अरे ये भी आप 2016 में ही पूछा गया था, हो सकता है दोनों में ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, अगर दिमाग लगाओगे तो यही बनेगा, अगर यहाँ पर भी अगर दिमाग लगाने का प्रयास करोगे ना इसमें, वो भी आसानी से बन जाने वाला, लेकिन उसके लिए समय चाहिए, समय है आपके पास तो हम सोचे उसके बारे में कुछ, वरना आगे बढ़ते हैं भैया जी, आगे बढ़िए उसके ऊपर अब मत सोचिए, वो मुझे पहले ही इतने गंदे कैलकुलेशन में परेशान किया हुआ है, उसके बारे में और नहीं सोचना अगर आपको अधिक परेशानी होगा हम मेथड चेंज कर लेंगे, ठीक है, लेकिन बनाएंगे ओके। जैसे इसमें अगर हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं ना, इसका स्क्वायर करना पड़ता बी स्क्वायर, फिर माइनस फोर ए सी करना पड़ता, स्क्वायर करने में ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना पड़ता, फिर वहां इतना परेशानी होता ना, आप परेशान होकर के बोलोगे भैया हमको ना ही बनाना है, लेकिन एक चीज है वहां जो फोर ए सी करेंगे ये कट के वहां पर आपका प्लस फोर हो जाएगा, लेकिन वहां पर स्क्वायर का टर्म आ जाएगा, उसको फिर आपको होल स्क्वायर के फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, बहुत 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 कुछ सोचना होगा वहां पर, ठीक है। इससे हमारा एक्यूरेट आंसर भी निकल गया कैसे क्या करना है, ये हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड का प्रयोग करके बनाए हैं ओके। ये उम्मीद मत रखना कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में सेम आंसर निकलने वाला, हम बता चुके हैं ऐसा क्या होता क्यों नहीं होता, ठीक है। चलो जल्दी बनाओगे, बन गया होगा, बन गया है, बिल्कुल बन गया होगा, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से, कहीं कोई समस्या ना हुआ होगा, बोर्ड सही नहीं था। हाँ जी देखो यहाँ पर हम लोग जो है तीसरा चौथा, अब देखो इतना क्वेश्चन करने के बाद ये सब आसान सब क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, और क्या ही कहूँ, मुझे बताना पड़ेगा बिकॉज आप इस सिलेबस में है, एग्जाम में पूछा जाता है, सिलेबस में ही पढ़ाना है तो सिंपल सा करना ही होगा। ऐसा आज इस तरह क्वेश्चन जितना इजी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन करवाने का, आज से इजी क्वेश्चन का फंडा मैं खत्म करने वाला हूँ, अगले क्लास से सिर्फ और सिर्फ चुनिंदा क्वेश्चन ही आपको मिलने वाले, चुनिंदा क्वेश्चन और बेहतर बेहतर क्वेश्चन मिलेंगे। आज क्लास की तरह भैया जी ये इजी क्वेश्चन था क्या, इजी ही था, अगर मैं चाहूँ पहला नंबर क्वेश्चन तो इसको अलग मेथड का प्रयोग करके बनाने का प्रयास करूंगा, तो ये नहीं बोलूंगा बन जाएगा, पहले प्रयास करूंगा तो बताऊंगा बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। पहला नंबर सेकंड नंबर क्वेश्चन तो देखिए साफ दिख रहा था कि हाँ बन जाने वाला कॉमन लेने के बाद, ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में उतना डाउट नहीं था, पहला नंबर क्वेश्चन एक प्रयास करेंगे हम लोग, अगर बन गया तो ठीक है, नहीं बना था हम लोग सिंपल सा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज किए हुए तो उसी से बनाना होगा आपको, ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, दिमाग लगा सकते हो, दिमाग आपके पास भी है, इसी कारण मैं आपको जो हूँ ना सेल्फ डिपेंडेंट बनाने वाला, किसी के ऊपर निर्भर नहीं करना है आपको, वहां पर खुद का दिमाग लगाने के लिए मैं आपको प्रोत्साहित करते रहता हूँ हमेशा, आप नया सोचोगे, हो सकता है आप मुझसे कुछ यूनिक सोच पाओ, और मुझसे अगर यूनिक सोच रहे हो तो इससे और अच्छी बात क्या ही होगी, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ आपको इस तरह पढ़ाया ही जाए ना कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, क्या पता आप यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगा लो और आपका दिमाग मेरे काम आ जाए, कुछ भी हो सकता है,
ठीक है, हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मैथ का मतलब ही हुआ आप अपने दिमाग का प्रयोग कर रहे हो, हाँ अपने ब्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक, दोनों मिलकर बना रहे हैं, बन रहा है, ठीक है, बना रहे हैं, बन रहा है मैथ, आनंद ही अलग है। ठीक, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप बनाओगे, चौथा नंबर क्वेश्चन बनाओगे, पांचवा नंबर क्वेश्चन बनाओगे, सब बनाओगे। ये क्वेश्चन बताना नहीं चाहिए मुझे, फिर भी बता ही देता हूँ। अभी क्या याद रखोगे भैया, ये कितना आसान आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया इक्वेशन दिया हुआ है जिसका नो रियल रूट्स है। अगर नो रियल रूट्स होता है तो हम लोग क्या ही बोलते, वो कंडीशन क्या होगा भैया जी, वो कंडीशन होगा डी लेस देन जीरो। डी लेस देन जीरो का प्रयोग करेंगे, डी का वैल्यू पुट करेंगे और के का मान निकाल लेंगे। इतना आसान क्वेश्चन, देखो यहाँ पर ये इक्वेशन क्या इक्वेशन है, के एक्स स्क्वायर। आप खुद बनाओगे, मैं मिला रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, मैं सिर्फ मिलाने का काम करूंगा और कुछ नहीं। यहाँ पर ए का मान दिया हुआ है के, बी का मान दिया माइनस सिक्स, सी का मान माइनस वन। तो सिंपल सा इक्वेशन के पास जो है इट हैज नो रियल रूट्स, इट हैज नो रियल रूट्स, रियल रूट्स। तो सिंपल सा हम लोग क्या बोलेंगे, डी लेस देन जीरो, ठीक है, रियल रूट्स नहीं है तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो। बी का मान कितना है, माइनस सिक्स का होल स्क्वायर माइनस फोर। ए का मान कितना है, के। सी का मान कितना, माइनस वन लेस देन जीरो, ठीक है। सॉल्व करेंगे 36 हो गया माइनस माइनस प्लस, 4k लेस देन जीरो। यहां से k का आसान क्यों बन गया भैया जी, आसान हाँ बन गया ये 9 प्लस k, ये 4 को बराबर किस तरफ भेजे तो वो भी जीरो के साथ जीरो ही बन जाएगा। कैसे पता चला ना आपको, लेस देन 9 को बराबर किस तरफ भेजेंगे तो माइनस 9 हो जाएगा, अर्थात माइनस 9 से छोटा जो आपको लेना है वो आप ले सकते हो। यार माइनस 9 से छोटा क्या क्या होता, माइनस 10 होगा, माइनस 11 होगा, माइनस 12 होगा, जितना आप लेफ्ट साइड जा सकते हो। इसमें कंफ्यूज मत करना, माइनस 9 से छोटा माइनस 8 होता है, खान लाल कर देने का फिर। अरे इसके बारे में बताए हुए हैं कि माइनस 9 से छोटा माइनस 10 होगा, माइनस 11 होगा, माइनस 12 होगा, ये हम लोग पढ़े हुए हैं, सीखे हुए हैं, समझे हुए हैं, बेहतर तरीके से इसके बारे में जान भी रहे हैं, फिर क्या ही समस्या है, कोई समस्या नहीं। अगेन अगेन चौथा नंबर क्वेश्चन देखोगे, चौथा नंबर क्वेश्चन देखोगे, जल्दी जल्दी चौथा नंबर क्वेश्चन देखोगे आप। हाँ जी, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा, एक इक्वेशन दिया हुआ है, हाँ सिंपल सा, उसका भी के का वैल्यू निकालना। यहाँ पर इक्वल रूट्स दिया हुआ है, इक्वल रियल रूट्स दिया हुआ है। जब इक्वल रियल रूट्स दिया हुआ है, इक्वेशन भी चेंज है, तो सिंपल सा एक काम करना, इक्वेशन को पहले लिखो 2x स्क्वायर प्लस के एक्स, 2x स्क्वायर देख लो, पहले खुद से बनाओगे, मजाक नहीं करते, ठीक। मैं सिर्फ मिला रहा हूँ, मैं स्टार्टिंग में बोल दिया हूँ, मैं सिर्फ मिलाऊंगा, आपको खुद बनाना है, और उम्मीद करते हैं ये सारा क्वेश्चन बन गया होगा आपसे। हाँ जी, हम बस यूं ही पता है टाइम पास कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इट हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स होता है तो क्या कंडीशन होता है, डी इक्वल टू जीरो होगा। डी इक्वल टू जीरो किए तो क्या ही हो जाएगा भैया जी, डी इक्वल टू जीरो होगा तो माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर इसी इक्वल टू जीरो हो गया, बी का मान के स्क्वायर माइनस फोर गुना। अरे रे 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 रे, यहाँ तो कुछ और ही फंडा चल रहा है। क्या फंडा चल रहा है पता है आपको, नहीं पता ना, पता चलेगा। यहाँ पर 64 हो रहा, पता है क्या होगा, के का मान दो निकलने वाला भैया जी, क्या ही डरा रहे हैं के का मान दो निकलेगा, दो नहीं मतलब दो मतलब टू वैल्यूज ऑफ के होने वाला, ठीक। 64 को बराबर किस तरफ किया, 64 हो गया, प्लस 64 हो गया। अब यहाँ पर स्क्वायर को जैसे ही बराबर किस तरफ भेजेंगे, प्लस माइनस रूट अंडर 64 हो जाएगा, यहाँ से के का मान निकल गया, प्लस माइनस 8 निकल गया। मजे मजे, हाँ जी बस मजे मजे आने वाले हैं हमारे लाइफ में, तो बहुत ही मजे आने वाले हैं। ऐसा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो मजे मजे आएगा। के का मान यहाँ पर दो निकल गई, वैल्यू है के का, तो हेंस द वैल्यू ऑफ के इक्वल टू प्लस 8 एंड माइनस 4। लिख लोगे लैंग्वेज, मैंने लिख रहा आपको लिखना है भैया जी, आप भी लिखेगा तो लिखेंगे, क्यों भैया को परेशान कर रहे हो। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखोगे, इफ टू इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन एंड द इक्वेशन इतना हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू। सिंपल सा इस टर्म से, यहाँ पे दो क्वेश्चन को मर्ज कर दिया गया है, इस क्वेश्चन से, इस टर्म से जो है आपको इस टर्म से के का वैल्यू निकाल लेना है। अगर दो रूट है इस इक्वेशन का, तो जैसे ही एक्स का मान पुट करेंगे दो के जगह पर, तो जीरो हो जाएगा और वहां से के का मान निकल जाएगा। के का मान निकालने के बाद यहाँ पर के का वैल्यू पुट कर लेना है। अब नया इक्वेशन बन गया ये, इसके पास इसमें ए का मान 1, बी का मान जो निकला के का मान, सी का मान क्यू, और इट हैज इक्वल रूट्स, तो बी स्क्वायर माइनस 4 इसी इक्वल टू जीरो, ऐसे बनाना है आपको। भैया जी समझा तो दिए लेकिन समझ में ना आया समझ में ना आया, समझ में सब आया होगा, बनाओगे खुद से बनाओगे, इतना पढ़ा है ये सब चीज़ तो आपसे बनना चाहिए। ये सब 2016 में सब क्वेश्चन पूछा गया है क्या, चलो ठीक, हो सकता है कोई कम फर्स्ट सिटिंग का होगा, कोई सेकंड सिटिंग का होगा, या फिर कोई कंपार्टमेंटल एग्जाम का होगा, ठीक है, मैंने लिखा नहीं, यहाँ लिखना चाहिए था मुझे 2016 का कौन सा एग्जाम का, चलो कोई उतना क्या नहीं लिखते, हमें सिर्फ क्वेश्चन से मतलब होता है, लेकिन हाँ सिर्फ ईयर डिनोट कर देता है कि हाँ आपके मन में ये रहे कि सबको ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आपको इसी तरह क्वेश्चन पढ़ाई करना है। ओके, बाकी क्वेश्चन का कमी नहीं होगा मेरे पास, इसे पिछले क्लास में जो क्वेश्चन ऑफ द डे दिए थे वो भी मेरा बताया हुआ क्वेश्चन था, फिर भी नहीं बना होगा आपसे,
मैं बताऊंगा कैसे बनेगा, ठीक। अगर नहीं बनेगा तो देखो यहाँ पे पांचवा नंबर क्वेश्चन देखोगे, यहाँ पर क्या है, टू इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन इतना, तो लिखेंगे यहाँ पर हियर हियर टू इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन पूरा लिखो, मेरे पास जगह कम था इसलिए हम लोग वहां इक्यू लिख दिए थे, इक्वेशन आप भी लिखते हो ना, मुझे पता है, के एक्स प्लस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो, देयरफॉर जहां एक्स है वहां पर दो पुट किए और हम बड़े आराम से यहाँ पर हम लोग के का वैल्यू निकालेंगे, और के का वैल्यू निकालने के बाद क्या ही करेंगे भैया जी, पता है क्या कीजिएगा, नहीं पता है, के का वैल्यू यहाँ माइनस एट निकल गया, देखना सब कुछ सही चल रहा है ना, बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा है, अगेन के का वैल्यू एट निकल चुका है। अब यहाँ हम लोग बोलेंगे क्या, हियर इक्वेशन, नया इक्वेशन देखो, हियर न्यू इक्वेशन नया इक्वेशन क्या दिया हुआ है भैया, नया इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के का मान पुट करते हैं माइनस एट एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो, वेयर जहाँ पर ए का मान वन है, बी का मान माइनस एट है, सी का मान क्यू है, ठीक है, अगेन यहाँ लिखना होगा इट हैज इक्वल रूट्स बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू, इक्वल रूट है बी इक्वल टू जीरो होगा, बी इक्वल टू जीरो की है, बी का मान माइनस एट का होल स्क्वायर 64 हो गया, माइनस फोर गुना ए का मान वन गुना क्यू 4q हो गया, समझ में आ रहा, पूरा लिखते हैं, ठीक है पूरा लिख दिए, इक्वल टू जीरो, क्यू का मान निकालना है, 4q के बराबर किस तरफ दे देते हैं 64 इक्वल टू 4q, क्यू का मान निकालना है, यहाँ 4 मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई को बराबर किस तरफ लाएंगे क्या, और डिवाइड हो जाएगा, हाँ भैया 64 में 4 से डिवाइड करिए, हाँ 4 एकम 4 4 6 24 16, क्यू का मान मेरा 16 निकल गया, नीचे दिख रहा है ना, ही दिख रहा, अब हम क्या ही करें, ना ही दिख रहा तो इसको ऊपर लिख देते, ठीक यहाँ पर लिख देते हैं 64 बाय 4 इक्वल टू क्यू, यहां से क्यू का मान 16 निकल चुका है, बताओ अब कहीं कोई समस्या नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी इतने में हम आपको अलविदा नहीं करने वाले, आपको और क्वेश्चन करने होंगे, आज वो सब नहीं चलने वाला भैया, इतने क्वेश्चन हो गए छोड़ दीजिए हमको, अब नहीं होगा, आपको और क्वेश्चन कंप्लीट करने होंगे, ओके चलो कुछ और क्वेश्चन हम लोग उतारते हैं, फटाफट उतारते हैं, परेशानी नहीं, बहुत स्पीडली हम लोग उतारने वाले हैं, ठीक। देखो यहाँ पे यहाँ ध्यान दोगे, अब कुछ और बेहतर क्वेश्चन है, थोड़ा आपको और एकाग्र होना होगा और बनाना होगा, ये क्वेश्चन तो आसानी से बन जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको अपना ब्रेन यूज करना होगा, भैया जी मेरे पास दिमाग है लेकिन इस्तेमाल करने में मन नहीं लगता है, क्या ही कहें, अरे मन क्या लगना, ब्रेन है तो उसका उपयोग करना सीखो। अगेन यहाँ ध्यान दोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा पहला क्वेश्चन देखोगे और ध्यान से समझोगे इस क्वेश्चन में करना क्या है, इस क्वेश्चन में स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि आपको k का वैल्यू फाइंड करना है। अच्छा जी, k का वैल्यू फाइंड करेंगे अगर मेरे पास इक्वल रूट्स है, तब इक्वल रूट्स का मतलब क्या हुआ भैया जी, इक्वल रूट्स का मतलब एक ही कंडीशन हमका पता है, वो कंडीशन है जब d का वैल्यू 0 के बराबर हो, याद नहीं होगा तो नहीं बनेगा, हम बार बार बोल रहे हैं, अगर फॉर्मूला कॉपी नहीं बना है, क्लियर नहीं हुआ है, याद नहीं हुआ है, कम से कम समय दो उसके पीछे और याद करने का प्रयास करो, यहां लिखना होगा हियर इक्वेशन, हियर इक्वेशन, इक्वेशन क्या है, के माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस प्लस नहीं बोलना है, माइनस टू इंटू के प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब सिंपल सा यहाँ क्या कहा गया है भैया, सिंपल सा हमको क्या ही करना है, हमको सिंपल सा एक काम करना है, वो क्या, हमको इसका इक्वल रूट्स, हाँ जी इक्वल रूट्स दिया हुआ है हमको, यहाँ लिखेंगे वेयर ए इक्वल टू क्या है के माइनस वन, बी इक्वल टू क्या, आप पहले खुद प्रयास करोगे, ठीक है पहले खुद प्रयास करो भैया, ठीक है हम तो बना के बैठे हुए, हम तो सिर्फ मिला रहे हैं, अच्छा मिला रहे हो आप, हम अपनी गति को और इम्प्रूव कर लेते हैं, ठीक है, इट हैज इक्वल रूट्स, जब इसके पास इक्वल रूट्स है इसका मतलब क्या हुआ, डी का मान बराबर जीरो है, डी का मान जीरो है तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो होगा, बी का मान माइनस टू इंटू के प्लस वन का होल स्क्वायर हो गया, माइनस फोर इंटू ए का मान के माइनस वन हुआ इंटू सी का मान वन हुआ इक्वल टू जीरो, यहां से इसको सॉल्व करेंगे और के का मान निकालेंगे, फोर इंटू के प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर के प्लस फोर हो गया, ठीक है, कहीं कोई समस्या ना, समस्या तो ना हुआ होगा, अगेन यहाँ पर ध्यान दोगे तो अंदर का होल स्क्वायर यही कर लेते, ठीक रहता, लो एक टर्म आपके लिए और कर देते हैं, आप भी क्या है भैया कितने अच्छे चलो ठीक,
अच्छे से सवाल करते चलना है। मेरे ख्याल से आपको हर एक टर्म समझ में अच्छे तरीके से आ रहा होगा, कहीं कोई समस्या ना हुआ होगा। इसका मल्टीप्लाई हर एक टर्म में किए, अगेन यहाँ पर 4k स्क्वायर। एक काम करते हैं, सबसे 4 कॉमन ले लेते, यही पर टेंशन ही खत्म हो जाता। कोई नहीं, बाद में कॉमन लेंगे। यहाँ से 8k - 4k मेरा कितना होगा, +2k हो गया। यहाँ से प्लस प्लस मतलब +4 + 4 +8k + 8 हो गया =0। कहीं कोई समस्या, 8 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 होगा ना। कहाँ रहते हैं हम लोग, यहीं पे ना। हाँ भैया यहीं पे रहते हैं, तो आप कहा ही करें, आप गलती करते हैं। तो हाँ, सबसे 4 कॉमन लेंगे, क्या हो गया k² + k + 2 = 0। आराम से इसको सॉल्व करेंगे, 2 को लिख सकते हैं 1+1 के फॉर्म में, अर्थात आराम से हम इसको लिख सकते हैं k²। इसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड का प्रयोग कर लेते हैं यहाँ पर। तो 2 है ना, 2 को हम लोग क्या किए, प्राइम फैक्टर के 2 1 के फॉर्म में निकल गया ना, ना फैक्टराइजेशन से नहीं बनेगा। इसको आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का प्रयोग करके बनाना होगा, ठीक है। मेरे ख्याल से क्यों प्रयोग करना आपको, के हाँ के का वैल्यू निकालना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का प्रयोग करना होगा। अच्छा क्वेश्चन था, मुझे लगा कि उसी लाइक क्वेश्चन होगा। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप इस्तेमाल करोगे, ठीक है, और इसको बनाओगे। मेरे ख्याल से बन जाएगा, यहाँ पर एक्स की जगह पर के है, बस इतना ध्यान रखोगे आप और बना लोगे, बन जाएगा। अगर हम आपकी जगह होते तो हम यहीं से 4 कॉमा ले लेते हैं, ठीक है। एक बार दिखाते हैं, अगर हम आपकी जगह होते तो क्या करते, वो भी देख लो। इतना झंझट नहीं होता हम लोग का, क्या होता कैसे होता उसको समझ लेना है, ठीक है। देखो एक बार हम आपको तरीका समझाते हैं, कैसे कैसे आप सॉल्यूशन कर सकते हो, क्या कर सकते हो, वो तरीका सिखाने का प्रयास करते हैं। देखो सबसे 4 कॉमन ले लिए, k + 1 का होल स्क्वायर यहाँ बचा, -k यहाँ बचा, +1 यहाँ बचा, सब 4 को उधर भेज दिए, 0/4 हो गया। अगर यहाँ पर इसका सॉल्व किए, k² + 1 + 2k हो गया, -k हो गया, +1 = 0। कहीं कोई समस्या बोलोगे आप, ना भैया कहीं कोई समस्या ना है। यहाँ से आपका k² 2k - k आपका k बचा, यहाँ 1+1 2 बचा =0। यहीं पे हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, वेयर यहाँ पर फिर से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक इक्वेशन में एक और इक्वेशन आ गया। अरे भाई साहब, फिर k का मान निकालना होगा हमको, क्या ही दुनिया देखना पड़ रहा है हम लोग को ना। कोई और चारना है ना, कोई और चारना है हम लोग के पास, हम लोग को k का वैल्यू इसी प्रकार निकालना पड़ेगा, और दूसरा कोई रास्ता ना है। मतलब एक ही क्वेश्चन में एक ही क्वाड इक्वेशन दिया हुआ था, इस इक्वेशन के हम लोग यहाँ d का वैल्यू निकाले, फिर से समझोगे, इस इक्वेशन के लिए हम लोग d का वैल्यू निकाले। अब यहाँ पर एक और इक्वेशन आ गया, अब इस इक्वेशन के लिए हमको d का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब d का वैल्यू निकालना है तो लिखना होगा यहाँ पर लिखो डायमीटर कर रहा हूँ, आसानी से क्या बता सकते हैं हम लोग, यही तरीका है और कोई तरीका नहीं। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन, इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन है आपका k² + k + 2 = 0। अब इसके लिए हमको d का वैल्यू निकालना होगा, तो निकालते हैं ये इक्वेशन, ये लैंग्वेज लिख देना, बिकॉज यहाँ पर आप पहले से d का वैल्यू निकाले हो, कहीं एग्जामिनर कंफ्यूज में ना आ जाए कि आप किस d की बात कर रहे हो। यहाँ से d का वैल्यू निकालोगे, कितना d का वैल्यू निकल जाएगा, सिंपल सा b² b का मान 1 है, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं b² - क्योंकि पहले हम लोग b मान चुके हैं, हमको फिर से मानना होगा तो a'b'c' ऐसा कुछ मानेंगे, वरना मान भी सकते हैं, ऐसा कोई समस्या ना है। तो b² - 4, a का मान क्या है 1 है, * c का मान क्या है 2 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मेरा निकल गया 1 - 1 - 8, यहाँ से -7 निकल गया। अच्छा जी चलो ठीक है, अब तो बन जाएगा आपसे। तो k का मान क्या होगा, फॉर्मूला पुट करोगे, एक काम करते हैं, हम लिख ही देते हैं ABC, वरना आप कंफ्यूज करोगे। चलो इसको हम फिर से सॉल्व करते हैं, फिर से मतलब इसके आगे फिर से सॉल्व करते हैं, इसको मिटा ही देते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, जल्दी बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक समझ में आया कि कहीं कोई समस्या भी है भैया। हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक हमको यहाँ समस्या हो रहा है, यहाँ समस्या हो रहा है, ऐसा कोई समस्या बिल्कुल नहीं, समस्या तो होना ही नहीं चाहिए। अगेन हम लोग क्या करेंगे, फिर से देखो न्यू इक्वेशन, अब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हम लोग का k का मान निकल जाएगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते, देखो फॉर दिस इक्वेशन k² + k + 2 = 0 हियर, अगेन अच्छा रहने दो, हियर a = 1 b = 1 and c = 2, कोई समस्या ना है, रहने दो। इसके लिए हम लोग d का वैल्यू निकालें, डिस्क्रिमिनेंट निकालने वाले b² - 4ac, b का मान 1 है, 1² - 4 × 1 × 2 हम लोग का -7 निकल गया, बिल्कुल -7 निकल गया, 4 × 2 = 8 -8 + 1 तो हम लोग का निकल गया -7 निकल गया। अगेन फिर से हम लोग देयरफॉर
के है ना, यहाँ के का हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय टू ए, तो सिंपल सा यहाँ से हम लोग का के का वैल्यू निकल जाएगा जो हम लोग को निकालना था, भले ही आपका इमेजिनरी रूट्स निकलने वाला, ठीक है, नॉन रियल रूट्स निकलने वाला, लेकिन निकलेगा सर जरूर। बी का मान वन है प्लस माइनस डी का मान माइनस सात है बटे ए का मान वन है, बस यही मेरा माइनस वन प्लस माइनस रूट अंडर माइनस सेवन बाय टू निकल चुका है। देयर फोर के इक्वल टू माइनस वन प्लस रूट अंडर माइनस सेवन बाय टू एंड के इक्वल टू माइनस वन माइनस रूट अंडर माइनस सेवन बाय टू। हम एक इक्वेशन यहाँ पर लिखे थे, ठीक है, हम मिटा दिए गलती से। आप एक काम करना, आपको मैं एक हिंट देने वाला, आप उस तरीके से ही प्रयास करना, तो आप इस एक्स वाले वैल्यू को इधर मत लाना, मतलब इस साइड जो भी एक्स का मान लिखे इसको अलग सॉल्व करना, इसको अलग सॉल्व करना, जो अंतिम का जो इक्वेशन आने वाला सेम वही चीज होने वाला, फिर आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। कैलकुलेशन करने के बाद जो अंतिम में जो इक्वेशन आया था ना, कोशिश करना उसको क्या, उसको फैक्टराइजेशन मेथड का प्रयोग करके सॉल्व करने का, मेरे ख्याल से वहां पर फैक्टराइजेशन लग सकता है। जो अंतिम एक इक्वेशन आया था ना, कुछ इक्वेशन था 3 5x² ऐसे कुछ इक्वेशन होगा, प्लस 19x था, फिर प्लस 30 था, हाँ ऐसे कुछ इक्वेशन था, उस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड का सॉल्व, मतलब उसी मेथड से सॉल्व करने का प्रयास करोगे तो आसानी से बनेगा ऐसा हमको लग रहा है। हम लोग वहां पर कर सकते थे ऐसा, लेकिन नहीं किए, वहां हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल किए तो रूट में चले गया। अगर उसी को फैक्टराइजेशन से बनाएंगे तो एक्चुअल वैल्यू निकलेगा, ठीक है, लेकिन दोनों सही है, इतना समझ के चलना भैया, ठीक है, ये समझ में आया कैसे निकाले, बिल्कुल समझ में आया होगा। अगेन सेकंड नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में तक, तो आप सतर्क रहना, ठीक है, कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत बेहतर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऐसा नहीं एक बार समझ गए हो वैल्यू निकालने तो कैलकुलेशन आपको छोड़ेगा नहीं, एग्जामिनर जो है ऐसा क्वेश्चन ही आपको देता है जहां पर आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सोचो आपने इमेजिन किया था एक ही क्वेश्चन में आपको दो बार इस डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले का प्रयोग करना पड़ सकता है, देखो पड़ रहा है, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग को क्वेश्चन फेस करने का मौका मिलेगा, उसे सामना करने का मौका मिलेगा, क्यों ना हम लोग मेहनत करें। यहाँ सेकंड नंबर क्वेश्चन देखोगे और बेहतर तरीके से इसको सॉल्व करने का प्रयास करोगे, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो सेकंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन में कहा गया राइट ऑल वैल्यूज ऑफ वी फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना दिया हुआ है इक्वल रूट्स है, तो आपको P का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, P का वैल्यू फाइंड करोगे, P का वैल्यू फाइंड करने का फिर आपको रूट्स भी फाइंड करना है, अरे दोनों चीज फाइंड करना है, तो आप करोगे, इसमें क्या ही समस्या, आराम से बना सकते हो इसका, हम लोग देख लेते हैं क्या आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा फिर आपको बताएंगे हम। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 16 है ना, हाँ जी, इक्वल रूट्स है तो हम क्या ही कर सकते, सिंपल सा डी इक्वल टू जीरो करने वाले, पी स्क्वायर प्लस माइनस 4 ए सी इक्वल टू जीरो, यहाँ से हम लोग पी को उधर भेजेंगे, इस टर्म को उधर भेजेंगे तो 64 पी का मान यहाँ पर निकल गया, प्लस माइनस 8 निकल गया, पी का वैल्यू निकल चुका है, लेकिन दो वैल्यू पी का निकला है, एक बार हमको प्लस 8 लेना होगा, एक बार हमको माइनस 8 लेना होगा, तो दो इसका दो इक्वेशन लेना होगा, देयरफॉर इक्वेशन क्या क्या हो गया, एक्स स्क्वायर एक बार प्लस 8x प्लस 16 इक्वल टू जीरो, एक और इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू जीरो, यहाँ पर 2 2 4 4 8 होगा, हाँ जी, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x प्लस 16 इक्वल टू जीरो, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16 इक्वल टू जीरो, जब फैक्टराइजेशन से नहीं बनेगा तब हमको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कैसे हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, ऐसा हम लोग इक्वेशन सॉल्व भी किए हैं, याद रखना इसको आराम से 8x को 4x प्लस 4x के फॉर्म में लिखे, यहाँ माइनस 8x को माइनस 4x के फॉर्म में लिखे, अब आराम से यहाँ कॉमन लोगे और बन जाएगा, मेरे ख्याल से बना लोगे, कहीं कोई समस्या ना है, तो हियर आपको लिखना हियर इक्वेशन, हियर इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 16 इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, हाँ जी, अगेन हम लोग क्या ही करने वाले, वेयर यहाँ पर क्या दिया हुआ, वेयर ए इक्वल टू 1 है, बी इक्वल टू पी है एंड सी इक्वल टू 16 है, देयरफॉर डी का मान क्या निकलेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब पी स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान 1 गुना सी का मान 16, अर्थात अरे ऐसे नहीं करते ना, यहाँ कंडीशन दिया हुआ इक्वल रूट्स का ना, तो लिखोगे ना इट हैज इक्वल रूट्स, क्या करते हो, इट हैज इक्वल रूट्स देयरफॉर, तो क्या करें अब करना होगा, d इक्वल टू जीरो, बी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो, बी का मान पुट करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो, यहाँ सॉल्व किए हुए हैं, ये उसी टर्म को क्यों लिख रहे हैं,
फोर गुना एक गुना सोलह इक्वल टू जीरो, ई का मान निकल गया प्लस माइनस एट। इसके आगे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, सो देयर फोर यहाँ किए गए आराम से सॉल्व करोगे, सो इक्वेशन कौन कौन सा बनेगा, दो इक्वेशन बनेगा, दोनों इक्वेशन यहाँ लिखा हुआ है, कैसे सॉल्व करेंगे वो बता दिया, आराम से इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे और बनाओगे। और आज क्वेश्चन ऑफ द डे नहीं देंगे, आज हम आपको ये ट्राई करने के लिए दे रहे हैं, इसमें अपना प्रयास दिमाग लगाओगे और देखते हैं क्या दिमाग लगा करके क्या कुछ आप अलग मेथड भी जा सकते हो या नहीं जा सकते। आपको सिंपल सा यहाँ इक्वल दिया हुआ है, आपको यहाँ पर इक्वल दिया है मतलब आपको डी इक्वल टू जीरो लेना है, मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो लेना है, इसको सॉल्व करना है। क्या आप इस इक्वेशन को ला सकते हो, अगर ला लोगे तो वही प्रूफ हो जाएगा आपका। सेम यही क्वेश्चन है अलग तरीके से पूछा गया, पहले सिर्फ इसको बनाओ तीन नंबर को, अगर तीन नंबर बन जाएगा चार नंबर खुद ब खुद बन जाएगा, इतना समझ के चलना, अगर तीन नंबर बन गया चार नंबर खुद ब खुद बन जाएगा। तो हम आज आपको खुद मेहनत करने के लिए दे रहे हैं, उम्मीद करते हैं आप मेहनत जरूर करोगे, अपना दिमाग इसके पीछे जरूर लगाओगे, वैसे हम इसको कल बताने वाले हैं, ठीक है। और ऊपर में भी एक क्वेश्चन है, वहाँ पर भी आप फैक्टराइजेशन का प्रयोग करोगे, तो मेरे मन में आ रहा है वो सॉल्व हो जाने वाला, 19 है मल्टीप्लाई करेंगे 150 होगा, 150 नहीं होगा, 5 दिया 15 150 होगा, 150 को सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 3 बचे 15, एक काम कर सकते हैं इसको पहले प्राइम फैक्टर पूरा करेंगे, ठीक है 19 है ना, 25 माइनस 6 हो रहा है, 19 बन रहा है, हमको लग ही रहा था ऐसा कुछ होने वाला है, फैक्टराइजेशन से बन जाएगा वो, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन जो बताए थे ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, हो सके तो इसको फैक्टराइजेशन से बनाओगे, आसानी से सॉल्यूशन और एक्यूरेट आंसर आएगा आपका, ठीक। तो कोशिश करना बना लेने का उसी से, ठीक। चलो आज इतना ही रखते, कल हम लोग क्लास यहीं से स्टार्ट करेंगे, इसी 3 नंबर 4 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये बन जाएगा आपसे, बिल्कुल बनेगा, हम इक्वेशन लिख के दिखा दिए कैसे फैक्टराइजेशन करना है, वही बता दिए, आराम से कॉमन लोगे एक्स का मान निकालोगे, इतना तो आपको पता होना ही चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, ओके ठीक ठीक है ठीक है ठीक है।